कला अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जबी सुन रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह सूफी साहब की महफिल है और ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि राजस्थान के वो चमकते सितारे जिन्हें हम और आप छह छह महीने साल साल भर कोशिश करें तो एक साथ नहीं देख सकते, वो मुकद्दस हस्तियां सूफी साहब के सदके में एक साथ नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह नूरुल मशाइख हजरत सैयद नूर मियां साहब तुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत के अंदर ये प्रोग्राम और एक और सैयद जादे हजरत सैयद फाजिल अशरफी साहब तुल्ला वो भी तशरीफ फरमा है और राजस्थान में नात खानों के सरदार हजरत कारी रईस अहमद साहब सिद्दीकी भी तशरीफ फरमा है। शरीफ भाई जावेद भाई और शरीफ़ैन भी है और फिरोज़ैन भी है, वो फिरोज है तो शरीफ है माशाल्लाह और भी कई हमारे भाई तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई इनके कलाम को भी हमने सुना और हाफिज अंसार साहब भी हैं माशाल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों की मेहनत मैं कहूँगा कि ये जावेद भाई और शरीफ भाई ने शुरुआत में यहाँ हाफिज असरार साहब इन दो तीन आदमी ने यहाँ इस महफिल को मुख्तसर तौर पर शुरू किया था और फिर सैयद नूर मियाँ के साथ ने इस महफिल में और नूर पैदा कर दिया। नूर मियाँ की शफकतों ने इस महफिल में और नूर पैदा कर दिया और बड़ा सादा माहौल है। मैं देख रहा हूँ सूफी साहब के यहाँ महफिल और कितना सादा माहौल है, जिनके सरों पर माशाल्लाह ताज होते हैं और हसीन हसीन इमामे और टोपियां होती है, वो बड़े सादे अंदाज में बैठे हैं और जब मैं यहाँ आया और इनकी सादगी को मैंने देखा तो मेरे दिल में एक ही ख्याल आया कि यार ये क्यों ना सादे आएंगे, जिनके यहाँ आए हैं वो भी तो बड़े सादे अंदाज में बैठे हैं। उनकी भी सादगी का अंदाज ये है कि न छत है न गुंबद है फकत मेहंदी का साया है, न छत है न गुंबद है फकत मेहंदी का साया है, सूफी तेरा आस्ताना सूफी आस्ताना है, सूफी तेरा आस्ताना सूफी आस्ताना है। नाते भी आप सुन चुके बातें भी आप सुन चुके, फकीर कुछ देर के लिए हाजिर हुआ, मेरे बाद आपको इंतहाई मुअज्जज व मुकर्रम शख्सियात से खिताब भी सुनने हैं और नाते भी सुनने हैं। फरमाइश के चंद अशआर, हालांकि मैं नात कैसी पढ़ता हूँ आप बखूबी जानते हैं, इन अच्छी अच्छी आवाज वालों में मैं कहता हूँ कि बिरयानी में लापसी शामिल हो जाती है और मुझ जैसा आ जाता है तो इन बेहतरीन आवाज वालों में बिरयानी में लापसी शामिल हो जाती है। लापसी भी खा लिया करो ताकि बिरयानी में अगर मिर्चे तेज हो तो जलन नहीं लगेगी। आइए बाबा सुबुदन शरीफ भाई की फरमाइश के दो तीन शेर मोहब्बत के साथ में समाप्त फरमाएं, पूरा मजमा मेरे साथ में मिलकर पढ़ो।